लाइफस्टाइल का असर लोगों के स्वास्थ्य पर उसका टोल देखने को मिल रहा है। विटामिन डिफिशियंसी बढ़ती जा रही है लेकिन लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा। जैसे विटामिन डी डिफिशियंसी इतनी खतरनाक है कि इसका सीधा असर आपकी दिमाग की सेहत पर पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की कमी से सेरोटोनिन की कमी हो जाती है और ये एक तरीके का ब्रेन केमिकल है, इसकी कमी होने से प्रभावित होता है आपका मूड। शरीर में डोपामाइन बनना भी कम हो जाता है। डोपामाइन मस्तिष्क में एक तरीके का हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है। विटामिन डी की कमी से एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। विटामिन डी की कमी का असर ब्रेन के साथ साथ पूरे शरीर पर पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हमेशा थकान महसूस हो सकती है। इम्यूनिटी कमजोर होती है और इंसान बार बार बीमार पड़ता है। हड्डियों पर भी बुरा असर पड़ता है। जोड़ों से चटकने की आवाज आती है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं और डायबिटीज का खतरा भी रहता है। हर वक्त नींद आने का एहसास होता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है तो विटामिन डिफिशियंसी तो नहीं है, डी की डिफिशियंसी तो नहीं है, चेक कराएं, सुबह की धूप लें। मशरूम, दूध, दही, अंडा और मछली में विटामिन डी होता है, इसका सेवन कर सकते हैं या फिर आप डॉक्टर की सलाह पर इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और शेर से लेकर सर्राफा तक क्या चल रहा है फेस्टिव सीजन? शेयर बाजार में आज भी बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स में 247 और निफ्टी में 46 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सराफा बाजार की बात करें तो सोने में तेजी और चांदी में सुस्ती देखने को मिली। महाराष्ट्र पुलिस ने ड्रीम्स 11 ऐप पर 1.5 करोड़ रुपए जीतने वाले सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। सोमनाथ को बिना परमिशन लिए ऑनलाइन गेम में हिस्सा लेने, वर्दी में मीडिया को इंटरव्यू देने और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है।